वेलकम टू साइबर अवेयर हब हम आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन के साथ एथिकल हैकिंग का पूरा कोर्स लेकर आए हैं इस वीडियो में एथिकल हैकिंग के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को मजबूत करने वाले हैं और प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करने वाले हैं ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपका सपोर्ट मुझे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज एथिकल हैकिंग एथिकल हैकिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक प्रोएक्टिव फॉर्म है इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी कहा जाता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन्स अपने नेटवर्क एप्लीकेशन और अदर कंप्यूटर सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं एथिकल हैकर्स को व्हाइट हेड हैकर्स भी कहा जाता है एथिकल हैकर सिस्टम या सर्वर्स को हैक करते हैं और उसमें मौजूद वलनेरेबिलिटी और वीक प्वाइंट्स का पता लगाते हैं ताकि उन्हें फिक्स किया जा सके ऐसा करने के पीछे कंपनीज का पर्पस अपने सिस्टम और इन्फॉर्मेशन को ब्लैकहेट हैकर से प्रोटेक्ट करना होता है एथिकल हैकर्स द्वारा किया गया सारा काम लीगल होता है इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं वो है नेटवर्किंग कंसेप्ट साइबर सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव हैशिंग इन क्रिप्टोग्राफी टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स एंड टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स विद प्रैक्टिकल चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेटवर्किंग कंसेप्ट इसमें हम सीखेंगे वॉट इज ओ एस आई मॉडल वॉट इज आई पी एड्रेस वॉट इज मैक एड्रेस वॉट इज वी पी एन वॉट इज टीएनएस इस वीडियो में हम ओ एस आई मॉडल और इसकी सभी लेयर के बारे में जानेंगे और हर लेयर में कौन से साइबर अटैक परफॉर्म होते हैं उनके बारे में जानेंगे मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है ओ एस आई मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है इस मॉडल की सात लेयर होती है और प्रत्येक लेयर का अलग अलग काम होता है ये लेयर्स है फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर 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 ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर हम इन लेयर्स के बारे ले एक, एक करके जानेंगे फो एस आई मॉडल के अनुसार फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है इस लेयर में डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाता है और डेटा को बिट में बदला जाता है इसलिए इस लेयर को बिट यूनिट भी कहा जाता है फिजिकल लेयर यह भी डिस्क्राइब करता है कि कम्युनिकेशन वायरलेस होगा या वायर्ड होगा इस लेयर में वायरलेस कोएक्सियल या फाइबर केबल का उपयोग होता है इस लेयर पर स्निफिंग साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर कर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन चुरा लेते हैं सेकेंड लेयर है डेटा लिंक लेयर इस लेयर में नेटवर्क लेयर द्वारा भेजे गए डेटा के पैकेटों को डिकोड और एनकोड किया जाता है तथा यह लेयर यह भी सुनिश्चित करता है कि डेटा के पैकेट्स में कोई एरर ना हो डेटा लिंक लेयर का मेन काम नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेना और उन्हें फ्रेम्स में एनकैप्सुलेट करना है इस लेयर में डेटा पैकेट को फ्रेम कहा जाता है डेटा लिंक लेयर में ईथरनेट एच डीएलसी पॉइंट टू पॉइंट जैसे प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है इस लेयर में मैक एड्रेस स्पूफिंग एआरपी स्पूफिंग अटैक परफॉर्म किया जाता है थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर इस लेयर में स्विचिंग और रूटिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है इस लेयर का, का काम डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करना होता है जिससे डेटा सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस तक आसानी से पहुंच सके इस लेयर में आईपी सेक आईसीएमपी एआरपी जैसे प्रोटोकॉल्स का उपयोग होता है इस लेयर पर मैन इन द मिडल अटैक आईपी स्पूफिंग जैसे साइबर अटैक परफॉर्म किए जाते हैं फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर इस लेयर का इस्तेमाल डेटा को नेटवर्क के बीच सही तरीके से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर यह भी सुनिश्चित करती है कि हमने जिस क्रम में डेटा भेजा है वह हमें उसी क्रम में प्राप्त हुआ है इस लेयर का काम दो कंप्यूटरों के बीच कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करना भी है ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड टू एंड लेयर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह डेटा को ट्रांसफर करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रदान करता है यह लेयर दो प्रकार की सर्विस प्रदान करता है पहली कनेक्शन ओरिएंटेड और दूसरी कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रमुख प्रोटोकॉल्स टीसीपी एंड यूडीपी टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड और यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है इस लेयर पर टीसीपी यूडीपी फ्लडिंग साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है फिफ्थ लेयर है सेशन लेयर यह लेयर दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के लिए सेशन प्रोवाइड करता है जब भी कोई यूजर कोई भी वेबसाइट ओपन करता है तो यूजर के कंप्यूटर तथा वेबसाइट के सर्वर के बीच एक सेशन एस्टैब्लिश हो जाता है आसान शब्दों में कहें तो सेशन लेयर का मेन काम सेशन को एस्टैब्लिश मेंटेन और टर्मिनेट करना है इस लेयर पर सेशन हाईजैकिंग साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है सिक्सथ लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर यह लेयर निर्धारित करता है कि डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है इस लेयर का यूज डेटा का एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करने के लिए किया जाता है इस लेयर में आई मैप एसएसएल और एसएसएच आदि प्रोटोकॉल का यूज करते हैं इस लेयर पर एनक्रिप्शन अटैक लाइक ब्रूट फोर्स साइबर अटैक परफॉर्म किया जाता है सेवेंथ लेयर है एप्लीकेशन लेयर इस लेयर का मेन काम एक्चुअल एप्लीकेशन और अन्य लेयर्स के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड कराना है एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर के सबसे नजदीक होती है यह एंड यूजर्स को नेटवर्क सर्विसेज प्रदान करती है इस लेयर के अंतर्गत एच टी टी पी एफ टी पी एस एम टी पी आदि प्रोटोकॉल आते हैं इस लेयर पर सॉफ्टवेयर वनरेबिलिटीज का एडवांटेज लेकर लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन फिशिंग अटैक परफॉर्म किए जाते हैं आज हम सब इंटरनेट यूज करते हैं आपने कभी न कभी आईपी एड्रेस का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में आईपी एड्रेस के बिना कुछ भी संभव नहीं है आईपी एड्रेस के माध्यम से ही इंटरनेट का यूज पॉसिबल हो पाता है इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आईपी एड्रेस क्या होता है और आईपी एड्रेस कैसे काम करता है आईपी एड्रेस एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो इंटरनेट पर हर डिवाइस को यूनिक आइडेंटिटी देता है आईपी एड्रेस का उपयोग डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेशन के लिए करते हैं आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है यह एक यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है इंटरनेट से जुड़ने वाले सभी डिवाइस जैसे मोबाइल या कंप्यूटर को आईडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस दिया जाता है जिस प्रकार लेटर भेजने और रिसीव करने के लिए हम लोगों को होम एड्रेस की जरूरत होती है उसी प्रकार कंप्यूटर से कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस की जरूरत होती है इंटरनेट में कंप्यूटर एक दूसरे को आईपी एड्रेस के माध्यम से ही डेटा या फाइल का ट्रांसफर कर पाते हैं आई ए एन ए इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य काम विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन और आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो एयरटेल को आईपी एड्रेस की रेंज प्रदान करना होता है उस आईपी एड्रेस की रेंज को आई तथा ऑर्गेनाइजेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं आईपी एड्रेस टू टाइप के होते हैं आईपीवी और आई वी का मीनिंग होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर आईपीवी फोर में थर्टी टू बिट एड्रेस का यूज किया जाता है इसमें फोर ऑक्टेट होते हैं हर ऑक्टेट में एट बिट्स होते हैं एट टाइम्स जीरो से लेकर एट टाइम्स वन मतलब जीरो से टू हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव तक रेंज होती है कुल अवेलेबल आईपीवी पी वी फोर आई टू की पावर थर्टी टू विच इज फोर पॉइंट थ्री बिलियन है लेकिन वर्तमान समय में फोर पॉइंट थ्री बिलियन से ज्यादा डिवाइस यूज हो रही है जिससे आईपीवी पी फोर की कमी हो गई है जिसकी वजह से आईपीवी पी सिक्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन सिक्स का उपयोग भी होने लगा है वर्तमान में आने वाले नए डिवाइसेज में आईपीवी फोर के साथ साथ आईपीवी सिक्स एड्रेस का भी उपयोग होने लगा है आईपीवी सिक्स में वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट बिट्स का एड्रेस होता है आईपीवी सिक्स एड्रेस को एट ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके प्रत्येक ब्लॉक सिक्सटीन बिट के होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है और ब्लॉक को कोलन से अलग किया जाता है इसमें कुल आईपी एड्रेस की संख्या टू की पावर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट मीन्स 340 हंड्रेड एंड फोर्टी मल्टीप्लाई टेन की पावर थर्टी सिक्स होती है आई वी सिक्स के यूज करने से अब काफी समय तक आईपी एड्रेस की कमी नहीं होगी यूज के आधार पर आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज किसी भी नेटवर्क के अंदर राउटर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है जैसे आपके घर में दो कंप्यूटर हैं जो एक राउटर से कनेक्टेड है आईएसपी हमारे राउटर को केवल एक आईपी एड्रेस देता है वो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है फिर हमारे दोनों कंप्यूटर को सेपरेट करने के लिए दोनों कंप्यूटर में अलग अलग आईपी होती है जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है पब्लिक आईपी एड्रेस पूरे वर्ल्ड में यूनिक एड्रेस होता है अर्थात इंटरनेट पर किसी भी दो डिवाइस के पब्लिक आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकते हैं यह मुख्य आईपी एड्रेस होता है जिसका उपयोग बाहरी नेटवर्क या इंटरनेट से कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है अब आप जानना चाहेंगे कि आप अपना आईपी एड्रेस कैसे जान सकते हैं तो आपको बताते हैं आप गूगल पर जाए वहां टाइप करें वॉट इज माई आईपी एड्रेस यहां आपका आई पी एड्रेस शो हो जाएगा आप आई पी एड्रेस के बारे में तो जानते ही होंगे इंटरनेट का उपयोग करने के लिए पी एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लेकिन इंटरनेट के उपयोग के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जिसके बारे में आप लोगों ने कम ही सुना होगा तो चलिए मैक एड्रेस के बारे में और स्पूफिंग के बारे में जानते हैं साइबर सिक्योरिटी में स्पूफिंग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक एड्रेस का फुल नेम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है नेटवर्क में सभी डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है जिसे फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है यह हर डिवाइस का परमानेंट एड्रेस होता है जिसकी मदद से हर डिवाइस नेटवर्क से जुड़ी होती है मैक एड्रेस किसी भी हार्डवेयर डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है यह बारह डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो दो दो के पैर में होता है मैक एड्रेस की साइज 48 बिट्स होती है हर एक डिजिट में शून्य से नौ और ए से एफ कैरेक्टर ही हो सकता है जैसे अगर मैक एड्रेस में के कैरेक्टर है तो वह मैक एड्रेस गलत होगा फर्स्ट थ्री पेयर डिवाइस के मैन्युफैक्चरर की डिटेल्स बताते हैं जनरली मैक एड्रेस बदला नहीं जा सकता है लेकिन आगे हम आपको यह बताएंगे कि इसे बदला भी जा सकता है जिसे मैक स्पूफिंग कहा जाता है मैक एड्रेस का यूज हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं मान लीजिए आपके घर में एक ही राउटर है और बहुत सारे यूजर इस राउटर का यूज करना चाहते हैं लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक राउटर पर एक ही आईपी एड्रेस दे सकता है इस हिसाब से सभी को बारी बारी से एक एक करके इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा और यदि एक समय में एक से ज्यादा यूजर नेटवर्क से जुड़ जाए तो एक का डाटा दूसरे को दिखने लग जाएगा और ये तो बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैक एड्रेस का यूज किया जाता है इसकी मदद से राउटर यह पता लगा सकता है कौन से यूजर को कौन सा डाटा दिखाना है जब भी आपका फोन राउटर से कनेक्ट होता है तब वो अपना मैक एड्रेस राउटर को शेयर करता है जिससे राउटर को समझ में आता है कि कौन कौन से फोन कनेक्टेड है और क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैक एड्रेस का इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके बेस पर हम किसी भी डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं मान लीजिए आपका कोई अनवांटेड फ्रेंड है जो आपका वाईफाई यूज करना चाहता है लेकिन आप उसको इंटरनेट यूज नहीं करने देना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में पासवर्ड बदलने के बजाय उसका मैक एड्रेस ब्लॉक कर सकते हैं जिसके बाद पासवर्ड पता होने के बावजूद वह इंटरनेट यूज नहीं कर पाएगा बड़ी बड़ी वेबसाइट भी किसी अननोन यूजर को ब्लॉक करने के लिए मैक एड्रेस का ही यूज करती है जिसके बाद आप उस वेबसाइट पर कितने ही फेक अकाउंट बना ले सभी के सभी ब्लॉक हो जाएंगे इसके बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि आप अपना मैक एड्रेस चेंज कर लें। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैक एड्रेस कैसे चेंज हो सकते हैं यह तो पर्मानेंट होता है हाँ मैक एड्रेस पर्मानेंट होता है लेकिन हम एक वर्चुअल मैक एड्रेस भी बना सकते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूफिंग। मैक एड्रेस आप एक सिंपल कमांड से चेंज कर सकते हैं आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी वैसे स्पूफिंग का यूज़ किसी इलीगल काम के लिए नहीं करना चाहिए मैक एड्रेस चेंज करने से पहले हम यह तो पता लगा ले कि मैक एड्रेस कैसे फाइंड किया जाता है मैक एड्रेस एक सिंपल कमांड से फाइंड किया जा सकता है विंडोज सिस्टम के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में आईपी कॉन्फिक बटा ऑल टाइप करके एंटर दबाना है आपको 12 डिजिट का मैक एड्रेस शो हो जाएगा आईओएस सिस्टम के लिए टर्मिनल में इफ कॉन्फिक टाइप करके एंटर करना है और ईथा के सामने जो बारह डिजिट का नंबर है वही मैक एड्रेस होता है वैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है वैसे ही इंटरनेट फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं आजकल सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग मनी ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट बिजनेस आदि सभी इंटरनेट के यूज से ही करते हैं ऐसे में कुछ बुरे लोगों ने इंटरनेट पर फ्रॉड और स्कैम को अपना बिजनेस बना लिया है ऐसे में हम सभी के मन में यह सवाल तो जरूर रहता होगा कि इंटरनेट पर खुद को सुरक्षित कैसे करें यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के यूज से आप बिना सुरक्षा की चिंता किए फ्रीली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं वीपीएन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हर एक इंटरनेट यूजर को पता होना आवश्यक है ये वीडियो आपको वीपीएन के बारे में समझने में बहुत हेल्प करेगा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं और वीपीएन के बारे में डिटेल में जानते हैं वीपीएन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यूजर की लोकेशन ऑनलाइन आइडेंटिटी आईपी एड्रेस आदि को हाइड कर देती है जिससे यूजर की कोई भी इंफॉर्मेशन आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या हैकर के पास नहीं जाती है वीपीएन पब्लिक नेटवर्क यूज करते टाइम आपको प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कराता है वीपीएन आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करता है और आपके ऑनलाइन आइडेंटिटी को हाइड कर देता है ऐसे में थर्ड पार्टीज के लिए आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक करना और आपका डेटा चुराना मुश्किल हो जाता है डेटा सुरक्षित करने के अलावा वीपीएन के द्वारा किसी ब्लॉक वेबसाइट को भी एक्सेस किया जा सकता है जैसे आप इंडिया में रहते हैं और किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं जो इंडिया में ब्लॉक है तो आप वीपीएन के द्वारा किसी दूसरे देश के लोकेशन से उस ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं अब जानते हैं आखिर वीपीएन काम कैसे करता है जब भी आप अपने वेब ब्राउजर में किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो यह रिक्वेस्ट पहले आपके आईएसपी जैसे जियो या एयरटेल के पास जाती है आई आपको उस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं इसमें सर्वर और आपके बीच जो भी डेटा ट्रांसफर होता है उसकी सारी जानकारी आईएसपी और वेबसाइट सर्वर दोनों के पास रहती है इसमें आपका डेटा गोपनीय नहीं रहता है इसीलिए वी का इस्तेमाल किया जाता है जब आप वीपीएन यूज करते हैं तो एक वीपीएन क्लाइंट आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होता है जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट आई से वेबसाइट सर्वर के पास ना जाकर वीपीएन सर्वर के पास जाती है और फिर वीपीएन सर्वर के थ्रू आप वेबसाइट सर्वर से कनेक्ट हो पाते हैं जिससे आई को नहीं पता होता आप कौन सी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और वेबसाइट सर्वर को भी आपकी आईडेंटिटी पता नहीं लगती है वीपीएन के दो बेसिक टाइप होते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन और साइट टू साइट वीपीएन रिमोट एक्सेस वीपीएन के जरिए अपने रीजन में ब्लॉक्ड वेबसाइट या सर्विस को यूज किया जा सकता है और रिमोट एक्सेस वीपीएन से अपनी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क से भी रिमोटली कनेक्ट हुआ जा सकता है साइट टू साइट वीपीएन को राउटर टू राउटर वीपीएन भी कहा जाता है इस वीपीएन का यूज ज्यादातर कॉर्पोरेट एनवायरमेंट में किया जाता है खासकर जब एक कंपनी के कई लोकेशंस पर ऑफिस होते हैं ऐसे में साइट टू साइट वीपीएन ऐसा क्लोज इंटरनल नेटवर्क क्रिएट कर देता है जहां पर सभी लोकेशंस एक साथ सिक्योरली कनेक्ट हो पाते हैं वीपीएन के बेनिफिट्स के साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है जैसे कि स्लो स्पीड नो कुकीज प्रोटेक्शन और नॉट टोटल प्रोटेक्शन इतना सिक्योर होने के बावजूद वीपीएन को कंप्लीट प्राइवेसी प्रोवाइडर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये हैकर गवर्नमेंट और आईएसपी से तो डेटा को हाइड कर सकता है लेकिन खुद वीपीएन प्रोवाइडर्स चाहे तो आपकी डिटेल्स देख सकते हैं तो ऐसे में एक ट्रस्टवर्दी वीपीएन प्रोवाइडर से ही सर्विस लेना बेहतर होता है अधिकतर फ्री वीपीएन ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं फ्री वीपीएन आपके डेटा को पूरी तरह से सिक्योर नहीं करते हैं और यह आपके डेटा को किसी थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर कर सकते हैं इसलिए फ्री वीपीएन इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए जब हमें यूट्यूब ओपन करना होता है तो हम ब्राउजर पर यूट्यूब लिखते हैं और यूट्यूब ओपन हो जाता है लेकिन कंप्यूटर सिस्टम तो सिर्फ जीरो और वन की भाषा समझता है तो उसे यूट्यूब कैसे समझ आया ये काम करता है डी यानी डोमेन नेम सिस्टम हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जब आप वेब ब्राउजर पर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम डालते हैं तो डी उस डोमेन नेम को आई एड्रेस में बदल देता है आई एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है लेकिन वेबसाइट का डोमेन नेम याद रखना काफी आसान रहता है इसीलिए डी का यूज किया जाता है आपको आईपी एड्रेस के बारे में जानना हो तो आई बटन पे क्लिक करके मेरा आईपी एड्रेस का वीडियो देख सकते हैं डीएनएस को इंटरनेट की फोन बुक भी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें सभी डोमेन की यूनिक आईपी एड्रेस का डेटाबेस होता है जब आप कोई डोमेन टाइप करते हैं तो डीएनएस सही आईपी एड्रेस ढूंढकर आपको वेबसाइट पर पहुंचाता है अब हम जानेंगे कि डीएनएस सर्वर कैसे आईपी एड्रेस निकालते हैं जब किसी ब्राउजर में डोमेन नेम टाइप करते हैं तो सिस्टम उस डोमेन को रिजॉल्वर के पास भेजता है फिर रिजॉल्वर उस रिक्वेस्ट को रूट सर्वर को ट्रांसफर करता है रूट सर्वर इस रिक्वेस्ट को आगे टॉप लेवल डोमेन तक भेजता है टॉप लेवल डोमेन जैसे .com .gov .org .edu इत्यादि है जिस वेबसाइट का रिक्वेस्ट है उसे उसी टॉप लेवल डोमेन सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है अगर google.com का रिक्वेस्ट है तो यह .com वाले टॉप लेवल डोमेन सर्वर में कनेक्ट होगा अब आखिर में टॉप लेवल डोमेन सर्वर से जानकारी प्राप्त करने के बाद एक्चुअल नेम सर्वर के बारे में जानकारी ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर से प्राप्त की जाती है जहां से डोमेन का आईपी एड्रेस मिल जाता है वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिलने पर इसे क्लाइंट यानी आपके कंप्यूटर या डिवाइस को भेजा जाता है जो ब्राउजर के कैच मेमोरी में सेव हो जाता है ताकि अगली बार उसी वेबसाइट को टाइप करने पर यह प्रोसेस फिर से दोहराना ना पड़े हालांकि देखने में यह काफी लंबा प्रोसेस लगता होगा लेकिन ये इतनी जल्दी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता आप किसी भी वेबसाइट का आईपी IP एड्रेस ipvoid.com डॉट कॉम वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं फेसबुक का एड्रेस आप मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे साइबर सिक्योरिटी अचीव करने के लिए तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इन्हें कलेक्टिवली सी आई ट्रायड कहा जाता है हम एक एक करके तीनों को समझते हैं फर्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ है केवल वही लोग या सिस्टम किसी खास डेटा को देख सकते हैं जिन्हें पहले से ऐसा करने की परमिशन है नेटवर्क के अंदर भेजे जा रहे डाटा को किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा एक्सेस नहीं करना चाहिए जिन्हें परमिशन नहीं हो कॉन्फिडेंशियलिटी को अचीव करने के लिए एनक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है यदि हैकर किसी टूल का यूज करके डेटा को कैप्चर भी कर ले तो भी डेटा को नहीं देख पाएगा फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन बैंकिंग के यूजर नेम एंड पासवर्ड जब ये नेटवर्क में ट्रांसफर होते हैं तो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफर होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन अगर हैकर के पास चली जाए तो भी वो आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा सेकंड है इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डाटा में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है डेटा के नेटवर्क में ट्रांसफर के दौरान डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है इंटीग्रिटी को हैश फंक्शन का यूज करके अचीव किया जा सकता है अब मान लीजिए कि होस्ट ए इंटीग्रिटी को बरकरार रखते हुए होस्ट बी को डाटा भेजना चाहता है अब डाटा के ऊपर एक हैश फंक्शन को रन किया जाएगा और वो एक हैश वैल्यू एच वन को प्रोड्यूस करेगा जिसको डाटा से अटैच करके भेजा जाता है होस्ट बी पैकेट को प्राप्त करेगा और उसी हैश फंक्शन को डाटा पर रन करेगा जो कि इसे हैश वैल्यू एच टू देगा अब अगर हैश वैल्यू H1 वन एंड एच सेम है इसका मतलब हुआ कि डाटा की इंटीग्रिटी बरकरार है और कंटेंट्स को मॉडिफाई नहीं किया गया है अब थर्ड है अवेलेबिलिटी इसका अर्थ है कि इन्फॉर्मेशन यूजर के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए मतलब इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होने पर यह किसी भी समय पूरी तरह से अवेलेबल हो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जब भी आपको अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तब आप लॉग इन करके अपने डेटा को एक्सेस कर सकें अवेलेबिलिटी यह इंश्योर करेगी कि बैंक की वेबसाइट हमेशा उपलब्ध रहे और आप अपने अकाउंट में कभी भी लॉग इन कर सकें इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम स्टडी करने वाले हैं कि क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन क्या होते हैं हैशिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं हैशिंग का पूरा प्रोसेस किस तरह से काम करता है यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी तो चलिए शुरू करते हैं क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन एक प्रोसीजर है जो एक इनपुट लेता है और उसे एक फिक्स्ड साइज की स्ट्रिंग में बदल देता है जिसे आमतौर पर डाइजेस्ट कहा जाता है जो एवरी इनपुट के लिए यूनिक होती है हैशिंग का यूज डेटा कंपेयरिंग डेटा की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए और अनऑथोराइज चेंजेस पता करने के लिए किया जाता है अब हम हैशिंग को समझेंगे कि हैशिंग कैसे परफॉर्म होती है हमारे पास एक फाइल है जो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है अब उस फाइल को एक हैशिंग एल्गोरिदम से गुजारा जाता है ये हैशिंग एल्गोरिदम कोई भी हो सकती है जैसे एम डी फाइव एस एच ए वन एस एच ए टू फिफ्टी सिक्स जैसे ही वो फाइल हैशिंग एल्गोरिदम में इनपुट दी जाती है तो आउटपुट में हमारे पास एक हैश वैल्यू प्राप्त होती है जिसे डाइजेस्ट भी बोला जाता है ये एक ऐसी वैल्यू है जिसे रीड तो किया जा सकता है बट इसे समझा नहीं जा सकता ये हैश वैल्यू इरिवर्सिबल होती है इसे ओरिजिनल वैल्यू में नहीं लाया जा सकता जैसे हम जानते हैं कि इनक्रिप्टेड वैल्यू को डिक्रिप्ट किया जा सकता है लेकिन हैशिंग में यह संभव नहीं है हम कभी भी हैश वैल्यू से ओरिजिनल फाइल या ओरिजिनल वैल्यू का पता नहीं लगा सकते कि वो फाइल या वैल्यू क्या थी अब हम यहाँ हैशिंग फंक्शन की कुछ क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे फर्स्ट है फिक्स्ड साइज हैश वैल्यू प्लेन टेक्स्ट या इनपुट फाइल एम में हो या जी में हो उसका डाइजेस्ट या हैश वैल्यू हमेशा एक फ़िक्स्ड साइज का होता है अगर हम एम डी फाइव एल्गोरिदम का यूज कर रहे हैं और इनपुट में ए अल्फाबेट का यूज करते हैं तो इसकी एम डी फाइव हैश वैल्यू वन ट्वेंटी एट बिट की होगी और अगर हम पूरा सेंटेंस इनपुट करते हैं तो भी जो हैश वैल्यू आएगी वो वन ट्वेंटी एट बिट की ही होगी सेकेंड हैश फंक्शन का आउटपुट हमेशा एक यूनिक वैल्यू होगा अगर इनपुट में एक डॉट का भी चेंज करते हैं तो हैश वैल्यू पूरी तरह से चेंज हो जाती है इसीलिए हैशिंग का यूज डेटा की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए किया जाता है थर्ड आउटपुट यानी हैश वैल्यू से हम कभी भी इनपुट का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि इनपुट किया गया ओरिजिनल डेटा क्या था हैश वैल्यू इरिवर्सिबल होती है हैशिंग का यूज पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोरेज के लिए भी किया जाता है लेट्स सपोज आप एक फेसबुक आईडी बना रहे हैं यहाँ आप अपना ईमेल देंगे एक पासवर्ड सेट करेंगे ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में डेटाबेस में सेव नहीं होगा इस पासवर्ड की हैश वैल्यू जनरेट की जाएगी और फिर वो हैश वैल्यू डेटाबेस में सेव होगी अब नेक्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हैं तो आपके द्वारा टाइप किए गए पासवर्ड की हैश वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और फिर इस हैश वैल्यू को डेटाबेस में सेव्ड हैश वैल्यू से मैच किया जाता है हैश वैल्यू मैच होने पर आपका लॉगिन सक्सेसफुल होता है इस प्रकार पासवर्ड की स्टोरेज में हैशिंग का यूज होता है इससे यदि वेबसाइट का डेटाबेस हैक भी हो जाएगा तो भी हैकर आपका पासवर्ड नहीं जान पाएगा हम हैश वैल्यू ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं हम यह साइट ओपन करते हैं हम एबीसी की हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये एम हैश वैल्यू है जो वन टो ट्वेंटी एट है और यह एस एच ए टू फिफ्टी सिक्स वैल्यू है जो टू बिट फिफ्टी सिक्स साइज है अब हम ABC में डॉट ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि हैश वैल्यू चेंज होता है कि नहीं इसलिए हैशिंग को डेटा की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है वायरसेज एंड मैलवेयर हैकिंग में यूज होने वाला एक बहुत ही कॉमन टूल है एक हैकर किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए डिफरेंट टाइप के मैलवेयर और वायरसेस का यूज करता है इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेलवेयर क्या होता है ये किस तरह से वर्क करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर पर स्टडी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मेलवेयर एक ऐसा मेलिशियस कोड होता है जो किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस को डाउन करता है और उसे प्रॉपर तौर पर हैक कर लेता है और कुछ बैकडोर एंट्री बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं अब जानते हैं कि मेलवेयर हमारे सिस्टम में कैसे आते हैं जब हम किसी मलिशियस वेबसाइट पर कुछ डाउनलोड करते हैं या किसी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं या अनट्रस्टेड वेबसाइट से पायरेटेड सॉफ्टवेयर मूवी सॉन्ग्स या गेम्स को डाउनलोड करते हैं या सस्पिशियस ईमेल के लिंक पर क्लिक करने से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर आ सकते हैं मेलवेयर कई टाइप्स के होते हैं जिनमें से अभी कुछ कॉमन टाइप को आपके साथ शेयर करने वाले हैं फर्स्ट है वायरस वायरस एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो किसी भी फाइल के साथ अटैच हो जाता है जब हम उस फाइल पर क्लिक करते हैं तो वायरस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है जैसे ही आपके सिस्टम में वायरस आता है तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है और यह हमारे कंप्यूटर के जेन्यून प्रोग्राम्स को नुकसान पहुंचाता है अब इसके बाद नेक्स्ट किस्म का मेलवेयर है वॉर्म ये मैलवेयर जिस भी सिस्टम में जाता है उसकी सभी फाइल्स को इन्फेक्ट कर देता है वार्म सेल्फ रेप्लिकेट होता रहता है और यह आपके पूरे सिस्टम में फैल जाता है आपका कंप्यूटर सिस्टम जिस भी नेटवर्क में होता है ये उस नेटवर्क को भी इन्फेक्ट कर देता है नेक्स्ट मैलवेयर है रैनसमवेयर ये बहुत खतरनाक मैलवेयर है रैनसमवेयर दो में पॉपुलर हुआ इसे एक अननोन हैकिंग ग्रुप ने बनाया था रैनसमवेयर जिस भी सिस्टम के अंदर जाता है उस सिस्टम को पूरी तरह से एनक्रिप्ट कर देता और उसकी हर फाइल लॉक हो जाती है और यूजर अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पाता है अब अगर यूजर को अपने सिस्टम में मौजूद फाइल्स को एक्सेस करना होता है तो उसे डिक्रिप्शन की जरूरत होती थी जो कि उसकी सभी फाइल्स को वापस से अनलॉक कर सके जो हैकर के पास होती है यूजर की स्क्रीन के ऊपर एक पॉप अप शो होता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी डिवाइस हैक कर ली गई है और आपकी सभी फाइल्स इनक्रिप्ट हो चुकी है यानी कि लॉक हो चुकी है और अगर आप अपने डेटा को वापस से हासिल करना चाहते हैं तो इस बिटकॉइन वॉलेट में इतने पैसे सेंड कर दें 2017 में इस अटैक के थ्रू लाखों लोगों के कंप्यूटर्स को हैक किया गया और बड़ी बड़ी कंपनीज में जब रैनसम अटैक होता था तो कंपनी को अपना डेटा बचाने के लिए रैनसम भी पे करना पड़ता था लेकिन रैनसम देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि डिक्रिप्शन की मिल ही जाएगी नेक्स्ट मेलवेयर है स्पाइवेयर ये एक ऐसा मेलवेयर होता है जो किसी भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाता है और बैकएंड में रन होता रहता है स्पाईवेयर मेलवेयर यूजर के ऊपर नजर रखने के लिए बनाया जाता है ताकि उस यूजर की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा सके वो कीबोर्ड में कौन कौन सी चीज टाइप कर रहा है इसके अलावा कैमरा की एक्सेस ले लेना वॉइस की एक्सेस ले लेना ये सभी काम करता है नेक्स्ट टाइप का मेलवेयर है रूटकिट रूटकिट को डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए रूटकिट भी स्पाइवेयर की तरह ही वर्क करता है जब रूटकिट सिस्टम में इंस्टॉल होता है तो वो एडमिन की सभी परमिशंस ले लेता है और अब रूटकिट कोई भी मलिशस सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है नेक्स्ट टाइप का मेलवेयर है फाइललेस मेलवेयर फाइललेस मेलवेयर में मेलिशियस फाइल या सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होता है ये फाइल हमेशा रैम में ही एग्जीक्यूट होती है जिससे इस मेलवेयर को एंटीवायरस के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता अन्य मेलवेयर की तुलना में फाइललेस मेलवेयर ज्यादा खतरनाक होता है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है यूजर्स के लिए प्राइवेसी के खतरे बढ़ रहे हैं इनमें से एक है ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसके इस्तेमाल से हैकर्स कंप्यूटर सिस्टम को अपने कंट्रोल में करने के साथ साथ आपका महत्वपूर्ण डेटा भी चोरी कर लेते हैं ट्रोजन हॉर्स का नाम ग्रीक माइथोलॉजी के वुडन हॉर्स की स्टोरी से लिया गया है ट्रोजन हॉर्स अपने आप को एक जेन्यून प्रोग्राम या फाइल के रूप में डिस्गाइज करता है ताकि आप इसे अपने कंप्यूटर या डिवाइस पर डाउनलोड करके रन कर लें जैसे आपको कोई ई या मैसेज आता है जिसमें डाउनलोड लिंक होता है किसी गेम या इंटरेस्टिंग ऐप का आप उसे सेफ समझ डाउनलोड कर, कर लेते हैं लेकिन वो एक ट्रोजन होता है आप जैसे ही उसे इंस्टॉल करते हैं ट्रोजन बैकएंड में रन हो जाता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आदि चुरा लेता है या फिर को एक्सेस भी प्रोवाइड कर देता है ट्रोजन वायरसेस या वर्म्स की तरह मल्टीप्लाई नहीं होते हैं लेकिन दूसरे मेलवेयर को एंटर करने के लिए गेटवे प्रोवाइड करते हैं ट्रोजन हॉर्स से बचने के लिए अननोन सोर्सेज से आने वाले ईमेल में अटैच फाइल को ओपन नहीं करें इसके साथ ही इन फाइल को डिवाइस में इंस्टॉल करने से बचना चाहिए हमेशा अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें कंप्यूटर पर सिर्फ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करें फ्री के लालच में थर्ड पार्टी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से बचें और रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ही यूज करें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रोजन हॉर्स के बारे में समझने में मदद मिली होगी इस वीडियो में हम एसक्यूएल इंजेक्शन हैकिंग टेक्निक के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे हैकिंग इलीगल होता है ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आइए जानते हैं की एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एसक्यूएल से डाटा को डेटाबेस से रिट्रीव करना मॉडिफाई करना या डाटा को डिलीट करना आदि एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वहीं एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक एक हैकिंग टेक्निक है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक द्वारा ऐसी किसी भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं जो एसक्यूएल डेटाबेस जैसे माई एसक्यूएल ऑरिकल एसक्यूएल सर्वर इत्यादि का यूज कर रहे हों एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को परफॉर्म करने के लिए हैकर्स द्वारा वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के इनपुट बॉक्स जैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड बॉक्स में मलिशियस कोड को इनपुट कर दिया जाता है जब वेब एप्लीकेशन द्वारा एसक्यूएल क्वेरी जेनरेट की जाती है तो यह मलिशियस कोड सही एसक्यूएल क्वेरी के साथ अटैच होकर एप्लीकेशन के डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाता है इस मलिशियस कोड से डेटाबेस को एक्सेस मॉडिफाई और डिलीट भी किया जा सकता है वेब एप्लीकेशन में यूजर नेम एंड पासवर्ड का फील्ड वैलिडेट करने के लिए जो एसक्यू एल क्वेरी डेटाबेस में एग्जीक्यूट होती है वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड इस एसक्यू एल क्वेरी से डेटा रिट्रीव हो जाता है तो यूजर सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है और कोई डेटा नहीं आता है तो यूजर को डिक्लाइन मैसेज शो हो जाता है अब यहाँ हैकर इनपुट बॉक्स में ऐसा मैलिशस कोड डालता है जिससे विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड के भी वो सक्सेसफुली लॉग इन हो जाता है वो यूजर नेम में सिंगल कोट और वन इक्वल टू वन डबल डैश डालता है जिससे क्वेरी बनती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर नेम इक्वल टू स्पेस ओ आर वन इक्वल टू वन डबल डैश एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड इसका यूजर नेम बनता है स्पेस और वन इक्वल टू वन यहाँ वन इक्वल टू वन मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा और एसक्यूएल में डबल डैश के बाद जो भी कोट होता है वो कमेंट हो जाता है डबल डैश के बाद का कोट एग्जीक्यूट नहीं होता इससे पासवर्ड का वैलिडेशन नहीं होगा और क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी और हैकर लॉग इन हो जाएगा अब हम इसको प्रैक्टिकली एक डेमो वेबसाइट में देखेंगे किसी भी लाइव वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करना इलीगल होता है इसलिए सीखने के लिए आप किसी भी डेमो वेबसाइट का यूज कर सकते हैं हम टेस्ट फायर डॉट नेट की डेमो वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे वेबसाइट ओपन हो गई अब ऑनलाइन बैंकिंग लॉगिन पर क्लिक करेंगे पहले यहां कोई भी यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे लॉग इन फेल्ड क्योंकि डेटाबेस में ऐसा यूजर नेम पासवर्ड है ही नहीं अब हम एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे पासवर्ड में कुछ भी डाल सकते हैं हम एज एन एडमिन यूजर लॉग इन हो गए हैं अब यहां हम कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इस प्रकार हैकर्स इंजेक्शन अटैक हैं अब हम जानेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन को कैसे प्रिवेंट करें कई प्रकार से एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा जा सकता है लेकिन सबसे सिंपल है इनपुट वैलिडेशन जो इनपुट यूजर डाल रहा है जैसे यूजर नेम और पासवर्ड उनका वैलिडेशन होना चाहिए यूजर नेम में केवल अल्फाबेट्स और नंबर्स को ही अलाउ करें इनके अलावा कोई भी कैरेक्टर आने पर एसक्यूएल क्वेरी एक्सिक्यूट ही नहीं हो किसी भी अकाउंट को हैक करने की सबसे सिंपल टेक्निक है ब्रूट फोर्स अटैक इस वीडियो में हम ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में जानेंगे ब्रूट फोर्स अटैक को डिक्शनरी अटैक भी कहा जाता है इस हैकिंग टेक्निक से पासवर्ड या पिन का पता लगाकर किसी कंप्यूटर, सर्वर सोशल प्रोफाइल या बैंक अकाउंट को हैक किया जा सकता है ब्रूट फोर्स अटैक पूरी तरह से अनुमान पर आधारित अटैक होता है जिसमें किसी यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर टूल द्वारा लेटर्स नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर के अलग अलग कॉम्बिनेशन को लगातार ट्राई किया जाता है जब तक कि पासवर्ड हैक ना हो जाए और इसके लिए ब्रूट फोर्स सॉफ्टवेयर टूल में वर्ड लिस्ट फाइल को जोड़ा जाता है यह एक डिक्शनरी की तरह होती है जिसमें लाखों प्रकार के वर्ड होते हैं और कई बार हैक किए जा रहे टारगेट से संबंधित इन्फॉर्मेशन के आधार पर भी कस्टम वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पासवर्ड क्रैक होने की संभावना बढ़ जाती है इस टेक्निक में लगने वाला टाइम पूरी तरीके से पासवर्ड की जटिलता पर निर्भर करता है यानी पासवर्ड जितना लंबा और मुश्किल होगा हैकर को उसे क्रैक करने में उतना ही टाइम लगेगा फॉर एग्जाम्पल कोई दो कैरेक्टर का पासवर्ड है जिसमें सिर्फ नंबर्स यूज हुए हैं तो पासवर्ड जीरो जीरो से नाइन्टी नाइन तक हो सकता है यानी टोटल वन हंड्रेड कॉम्बिनेशन अब इसकी लेंथ बढ़ा दें और इसमें नंबर के साथ अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज करें तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़ जाएंगे और उन्हें गैस या हैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हैकर्स ब्रूट फोर्स अटैक के लिए कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज करते हैं वो है हाइड्रा जहान द रिपर रेनबो क्रैक हैश कैट एंड एन क्रैक जानेंगे कि ब्रूट फोर्स अटैक से कैसे बचा जा सकता है फर्स्ट पासवर्ड बिल्कुल सिंपल नहीं होना चाहिए वह कम से कम एट से सिक्सटीन कैरेक्टर्स का होना चाहिए जिसमें लेटर्स नंबर्स के साथ साथ सिंबल का होना भी आवश्यक है सेकंड, लॉग इन पेज पर लॉग इन अटेम्प्ट की लिमिट होनी चाहिए यदि थ्री या फाइव से ज्यादा बार गलत यूजर नेम और पासवर्ड डाला जाए तो अकाउंट कुछ समय के लिए लॉक हो जाए थर्ड लॉग इन पेज पर कैप्चा का यूज होना चाहिए यूजर नेम और पासवर्ड के साथ साथ कैप्चा यानी एक बॉक्स में विभिन्न शब्द या आकृतियां आती हैं जिसे लॉग इन कर रहे व्यक्ति को टिक करके बताना पड़ता है इससे ब्रूट फोर्स अटैक में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल या बॉट्स के यूज से बचा जा सकता है फोर्थ है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें किसी यूजर अकाउंट को ओपन करने के लिए पहले उस अकाउंट की सही लॉग इन डिटेल डालना होगा और फिर आगे बढ़ने के लिए दूसरा ऑथेंटिकेशन भी करना पड़ता है जैसे आप दूसरे ऑथेंटिकेशन के लिए ओ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें यदि कोई आपका अकाउंट लॉग इन करता है तो आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसे डालकर ही आगे बढ़ा जा सकता है ये कुछ मेथड्स हैं, जिनके यूज से ब्रूट फोर्स अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स एक ऐसा ईमेल या एसएमएस भेजते हैं जो लगता है किसी ट्रस्टेड सोर्स से आया हो उनका लक्ष्य क्रेडिट कार्ड और लॉग इन इन्फॉर्मेशन जैसे संवेदनशील डेटा को चुराना या विक्टिम के सिस्टम में मेलवेयर या वायरस इंस्टॉल करना है फिशिंग एक फेक ईमेल या एसएमएस से शुरू होती है जो किसी पीड़ित को लुभाने के लिए डिजाइन किया गया होता है इसके थ्रू साइबर क्रिमिनल्स पीड़ित के क्रेडिट कार्ड की जानकारी या अन्य व्यक्तिगत डेटा प्राप्त कर लेते हैं कभी कभी आपके कंप्यूटर पर मेलवेयर भी डाउनलोड हो जाता है जो आपकी इच्छा के बिना आपका सारा डेटा साइबर क्रिमिनल्स को भेजता है फिशिंग एक सामान्य प्रकार का साइबर अटैक है जिसके बारे में हम सभी को अपनी सुरक्षा के उपाय सीखना चाहिए इस प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा इस प्रकार के ईमेल में जो लिंक होता है उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए और जब भी किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसका यू चेक करें वहाँ आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखेंगी या वेबसाइट का नाम थोड़ा अलग होगा साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें इसमें आपको पासवर्ड के साथ ओटीपी भी डालना होता है अगर आपका पासवर्ड किसी साइबर अपराधी के पास चला जाता है तो भी आपका अकाउंट ओपन नहीं कर पाएगा क्योंकि ओ की आवश्यकता होगी जो आपके मोबाइल पर ही आएगा कि किसी फिशिंग यू या लिंक को कैसे चेक करें आपको गूगल पर जाकर वायरस टोटल टाइप करना है पहले लिंक पर क्लिक करना है वायरस टोटल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी आप यहां किसी फाइल यूआरएल, आर आई आईपी आदि की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं यूआरएल चेक करने के लिए यूआरएल टैब पर क्लिक करना है फिशिंग यूआरएल को आप कॉपी करके यहां पेस्ट कर सकते हैं कॉपी करते समय सावधान रहें लिंक पर क्लिक नहीं करना है उदाहरण के लिए एक फिशिंग यू को यहां पेस्ट करती हूं वायरस टोटल बहुत सारे एंटीवायरस कंपनी से डेटा लेता है उसके अनुसार वायरस टोटल किसी यूआरएल या आईपी को फिशिंग बताता है जब आपको कोई मेल या एस एम एस लगे और उसमें कोई यू आर एल हो तो आप वायर्स टोटल की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका मेल या यू आर एल फिशिंग है कि नहीं आपको यही एडवाइस है कि, कि किसी भी सस्पिशस मेल के किसी भी लिंक को ओपन नहीं करें साइबर दुनिया में सुरक्षित रहें आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल साइबर अवेयर हब को सब्सक्राइब करें थैंक यू